हेलो दोस्तों, मैं रविराम रंगाई अपने चैनल यंग वाइल्ड फ्री में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आपको आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा और इसी तरह से हम भी कुछ नया आपके लिए लाने के लिए हमेशा हमेशा उत्सुक रहते हैं। तो फिर आज का सब्जेक्ट शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर जुड़े हैं पहले से तो लाइक कमेंट शेयर आपके आने चाहिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान जरूर दीजिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑब्लिक्स के ऊपर है। एक सब्सक्राइबर है मेरे और एक मित्र भी हैं, शशांक बिस्ट, उनका था एक कमेंट, स्पेशल कमेंट था उनका कि भैया हमें ऑब्लिक के ऊपर एक वीडियो चाहिए। आज का लॉकडाउन भी है तो उनसे हो नहीं पा रहा है मिलना मेरा, तो इसी वजह से तो मैंने कहा चलो एक बंदा हो चाहे दो बंदे हो, आज तो मैं हर जितना हो सके मैं हर किसी को अलग से अटेंड कर सकता हूँ। आज का तो बहुत टाइम ही टाइम है। ठीक है, और इतनी क्वेरी आती भी नहीं है, एक दो आती हैं तो उनको तो इम्पोर्टेंट देना ही पड़ेगा ना। तो फिर इसी तरह से आज हम करेंगे ऑब्लिक्स का वर्कआउट क्या होती है। ऑब्लिक्स आपकी ये साइड का हिस्सा है, ये हिस्सा है आपका ऑब्लिक्स का। इस चीज़ का आपने फैट रिड्यूस करना है, ये आपने फैट रिड्यूस करना है। इसकी एक्सरसाइज हम आज करेंगे ऑब्लिक्स का। ठीक है, ये साइड की जो हमारी है ये ऑब्लिक्स है, इनका हमने आज का वर्कआउट हमारा इस पार्ट का होगा। ठीक है, ये भी ना कोर सेक्शन के अंदर आता है, हमारी कोर पूरी मतलब ऑब्लिक्स हमारी एब्डोमिनल, ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनल, ठीक है, लोअर बैक, इन सबको जोड़ के हमारी कोर का की एक नाम है कोर पूरा टोटल। ठीक है, इसलिए हमें अलग अलग तरह से भी हिट कर सकते हैं इनको, तो ऑब्लिक्स का वर्कआउट करेंगे। मुझे नहीं पता कितनी एक्सरसाइज करेंगे, बस मैं अपने हिसाब से करता जाता हूँ, मैं कुछ सोच के नहीं आ रहा मैं 5 करूँगा या अपने थंबनेल में दूंगा टॉप 5 टॉप 6, कुछ नहीं होता है। जो आपको फील होती है एक्सरसाइज, वही एक्सरसाइज टॉप की होती है, क्योंकि हर एक्सरसाइज जो अगले का टॉप का है वो आपको फील नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सरसाइजों में इस तरह के एंगल होते हैं जो एक बार में नहीं आते समझ में, धीरे धीरे समझ में आते हैं। इसलिए जो एक्सरसाइज आपको समझ में आती है, आपकी बॉडी के समझ में आती है, तो वो पेन फील करेगी, वो स्ट्रेच फील करेगी मसल, तो समझिए वो एक्सरसाइज आपको फील हो रही है, वो अच्छा आप पे काम कर रही है, तो आप उस पर भी ध्यान रखिए। ठीक है, ऐसा मत सोचिए टॉप 5 में तो मैंने वही टॉप 5 करनी है, आप चूज करिए जो आपको अच्छी लग रही है, आप उनको इस्तेमाल करिए। 3 एक्सरसाइज बहुत होती हैं एक मसल पार्ट में करने के लिए, अगर आप हर दिन कर रहे हैं तो। वैसे हर दिन मत करिए, एक एक दिन छोड़ के करिए, एक दिन रिकवरी का होता है, एक दिन आप तोड़ते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह जो भी आप करते हैं, अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप उस मसल से काम ले रहे हैं तो आप उसको तोड़ रहे हैं, मसल को तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जब आप उसको तोड़ते हैं तो उसकी रिकवरी का भी उसको समय दीजिए, तो इसलिए अगले दिन का हम लोग गैप देते हैं। गैप भी आपके हिसाब से है, वो मसल कितनी बड़ी है, आपने कितना वर्क किया है, तो उस हिसाब से गैप दिया जाता है। अगर आपने थाई करी है 2 से 2.5 घंटे थाई करी है, तो फिर आपको 2 दिन का गैप देना चाहिए, मतलब एकदम गैप कंप्लीट, आपको कोई एक्सरसाइज करनी नहीं चाहिए। ठीक है, एकदम रेस्ट पर रहिए, बढ़िया से उसको रिकवर होने दीजिए, मतलब उसके बाद जिम जाइए। ये होता है बस फंडे एक्सरसाइज की, हम आगे होते रहेंगे डिस्कस, अभी तो बहुत सारे केस हैं बस जहाँ जहाँ बात कर सकते हैं। आजकल तो केवल लॉकडाउन के हिसाब से हमारी बातचीत होंगी, हमारे वर्कआउट होंगे, तो इसलिए मैं साधन भी ऐसे दिखाऊंगा तो बहुत इजी होंगे। ठीक है, ऑब्लिक पे काम करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं तो आज का वीडियो। तो अपने भाई को मैं अपने साथ लाया हूँ, आशीष चौहान को, तो फोन तब उन्हीं के हाथ पर रहेगा, तो आप देखिए फिर। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको शुरू की एक्सरसाइज में, अपना सेटअप लगाता हूँ। तो दोस्तों, तो हमारी पहली एक्सरसाइज होगी प्लैंक, साइड प्लैंक। अगर हम ऑब्लिक की बात करें और ऑब्लिक की बात करें या प्लैंक की बात ना करें तो सारा वर्कआउट बेकार हो जाएगा। हम पहले करते हैं प्लैंक। तो प्लैंक मेरा शुरू में करने का उद्देश्य यही है कि थोड़ा मैं कोर को एक्टिवेट कर दूँ प्लैंक के जरिए, तो उसके बाद थोड़ा मुझे एक्सरसाइज करने में थोड़ा हेल्प भी होगी और एक्टिवेशन मेरा थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम शुरू में प्लैंक करते हैं। जो लोग जिनसे प्लैंक ईजिली, देखिए प्लैंक में क्या है, आपके शोल्डर की सीध में एल्बो होनी चाहिए। ठीक है, ईजिली इस सीध में आप रखेंगे, आगे नहीं रखेंगे, ऐसे में आपका जोर आएगा, नीचे नहीं रखेंगे, एकदम ऐसे रखिए आराम से। अब तब इसको तब आपने अपने अपने मिड सेक्शन को ऊपर उठाना है यूँ। ठीक है, अब इसको एक एक पोस्चर में यूँ रख देना है। ठीक है, अगर आप बिगिनर्स हैं, आपसे इस तरह मतलब
स्ट्रेट लेग नहीं होता है तो आप पाँव को हल्का सा बेंड करके यूं ऊंचाइए। शुरुआत आप ऐसे करिए, शुरुआत आप ऐसे में करिए, ठीक है, यूं करके उठा दीजिए। ये आपकी स्टार्टिंग प्लैंक हो जाएगी, शुरुआती प्लैंक। थोड़ा जब आप इस चीज़ को करने में सक्षम हो जाएं तो पाँव को स्ट्रेट कर दीजिए, यूं उठा दीजिए, ठीक है। धीरे धीरे आप एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव रख लीजिए यूं। अब इसको होल्ड कर दीजिए, बैलेंस के लिए आप हाथ को यूं ऊपर भी रख सकते हैं, सामने यूं होल्ड कर दीजिए। आप इसको ऊपर भी उठा सकते हैं, होल्ड करना है बस हमें, ठीक है। इससे आपका सारा खिंचाव आपके ऑब्लिक्स में आ रहा है पूरा। तीस सेकेंड आप टाइमिंग लेके करिए, फिर आप अदर अपनी दूसरी साइड में भी सेम इसी चीज का ध्यान रख के उठिए। ठीक है दोस्तों, ये कम्प्लीट हुई हमारी पहली एक्सरसाइज प्लैंक। और हमारी दूसरी एक्सरसाइज है साइड प्लैंक ट्विस्ट। सेम पोजीशन होगी साइड प्लैंक की और उसमें ट्विस्ट है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं तो फिर वही आपने अपनी जो ऊपर की पोजीशन है सबके लिए, चाहे बिगिनर्स हो चाहे जो भी हो, ठीक है। ये है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपकी पोजीशन ये है। अब ये आपने सर पे हाथ रखे, अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तो पांव पूरे सीधे कर दीजिए, ठीक, एक के ऊपर एक रखना है, रख दीजिए यूं करके, उठा दीजिए बॉडी को हाथ और सर के नीचे। दोस्तों अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिड सेक्शन आपको उठा होना चाहिए, रोक में आपने कंट्रोल। प्लैंक में तो आपका पेशेंस ही सब कुछ है, आप कितनी देर तक अपने आप को होल्ड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ठीक है। सेम हम दूसरी साइड से भी करेंगे। अब उल्टे हाथ से बॉडी पूरी उठा गई हूँ, जो बिगिनर्स के लिए मैं बता चुका हूँ पहले ही। अब हो गई हमारी प्लैंक ट्विस्ट, हमारे दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। अब मिलते हैं हम तीसरी में, रशियन ट्विस्ट। तो रशियन ट्विस्ट में हमने बोर्ड पोज बनाना है। मैंने अपने अपने स्टार्टिंग उसमें बताया था वीडियो में, ठीक है। ये बोर्ड पोज बनाना है हमने, इस तरह से उठाने हमने पाँव, ठीक है। ऐसे ही हमने रशियन ट्विस्ट करनी है, ठीक है। अगर आप इधर जाएंगे सांस छोड़िए, फिर सांस लीजिए, फिर सांस छोड़िए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपसे पांव अगर ऊपर होल्ड नहीं हो रहे हैं तो आप जमीन में रख के हाथों को सीधा करके घुमाइए।
इस तरह कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन करना है, करिए कोशिश, मतलब कुछ ना कुछ ढूंढिए अपना धीरे धीरे करके। और अगर आप एडवांस लेवल में आप लोग कोई वेट है, डंबल है या कोई ईट है, उसको पकड़ के भी आप कर सकते हैं, ठीक है, वेट पकड़ के भी आप कर सकते हैं। तो ये होगी, अब चौथी एक्सरसाइज में जाएंगे हम, जो होगी हिल टॉप। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, अपने पाँव पूरे चिपकाने नहीं है, थोड़ा सा दूरी रखिए अपने शरीर से, लेट जाइए, ठीक। और आपने जब लेटना है तो पूरा फ्लैट नहीं लेटना है, थोड़ा सा कोर इंक्रीज करनी है, कोर थोड़ा उठ जाना है, इतना थोड़ा उठ गए, ठीक है। हाथों को यूँ रखना है फ्लोर पे, ठीक, और आगे छूना है, अपनी एरिया को छूना है, हील, एक्सरसाइज का नाम है हील टॉप, आपने अपनी हील्स को छूना है, ठीक है। तो हम 30 सेकंड करेंगे, ठीक है, चलिए शुरू करिए। ये जब आप कोर इंगेज करेंगे, उठाएंगे अपने सीने को, तो आपके आपके रेक्टस एब्डोमिनल से हिट हो जाएंगे, ऊपर के चार एब्स भी आपके पूरे हिट हो जाते हैं, और साइड साइड में आपके आपके ऑब्लिक्स तो हिट हो ही रही हैं, क्योंकि हम ट्विस्ट में काम कर रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, यूं तो इसमें भी आपके ऑब्लिक काम करते ही। अब हमारी पाँचवीं एक्सरसाइज, अब हम करेंगे विंड मिल। आपने विंड मिल में क्या करना है, विंड मिल बहुत तरीके से हो सकती है, जैसे आपने पाँव उठा दिए, ठीक है, अब भी कोर को इंगेज कर दिया, ऐसा फ्लैट नहीं मिलेगा ना, थोड़ा कोर इंगेज कर दी हाथ जमीन पे और अपने पाँवों को इधर उधर ले आना है। ठीक, तो इसमें दो चीज़ चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका पहले पहले बैलेंस नहीं बनता है, आपके पाँव इधर आके पूरे गिर जाते हैं, उठा नहीं पाते हो, तो आप ऐसा करिए, नी बेंड कर दीजिए, इसको यहाँ पर लॉक कर दीजिए, अब इसको घुमाइए, इतना शुरुआती दौर में बिगनर्स के लिए इतना घुमाइए, ठीक है, इतना घुमाइए आप, ठीक है। या तो आप किसी चीज़ का सहारा, आपके पीछे कोई खड़ा हो जाता है, उसके पाँव पकड़ दिए, तब आपने घुमा लिया, तब आपका फोर्स अच्छा लगेगा, यूं अगर कोई पीछे खड़ा हो जाता है, या तो किसी फोर की मदद से आपने पकड़ दिया, तब आपने पाँव को टेस्ट किया इधर से उधर, है ना, जमीन में आपने गिराना नहीं है, हल्का टच करके आप उठा सकते हो, ये भी आपके ऑब्लिक के लिए बहुत अच्छे एक्सरसाइज है। अब हो चुके हमारी पाँच एक्सरसाइज हैं, अब छठवीं मैं आपको बताऊँ, अब हम करेंगे छठवीं एक्सरसाइज, जो होगी बाइसिकल क्रंच, ठीक है। तो उसमें क्या होना है, आपने पाँव पर रखने, अब ये यहाँ टच होगा, ये यहाँ टच होगा, ठीक है। आपने हाथों को नहीं ले जाना, आपने बॉडी घुमानी है, आपने ऑब्लिक पे जोर देके घुमाना है इसको, तब ये एल्बो टच होगी इस नी पे, कोशिश करनी है, एकदम से तो नहीं होगी, पर कोशिश करनी है, ठीक है। ये ठीक है, अब हो गई बाइसिकल क्रंच, ये भी अगर बिगनर्स के लिए कुछ खास इसमें वो नहीं है, बस बदलाव यही है, आप अपनी हील्स को जमीन में रख दीजिए और इसको अपने हाथों को कान की साइड में रखें, ठीक है, और अपने ऑब्लिक से ट्विस्ट करिए, टच करिए, तब एक हील उठाइए, एक नी उठाइए, एक नी जमीन पर रखिए, तब करिए, जैसे मैंने दोनों जमीन पर रखी है, ठीक है। अब जैसे मैं इधर घुमाऊंगा तो मैं इसको उठाऊंगा, अब फिर मैं इसको उठाऊंगा,
ये बिगनर्स के लिए हो जाएगी, ठीक है। लेकिन करिए, अब हम करेंगे प्लैंक नी इन। प्लैंक पोजिशन में आए, ये हमारी सातवीं एक्सरसाइज होगी। मैं इतनी बता रहा हूँ आपको, सारी नहीं करनी है, आपको अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से चूज करनी है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं रोज़ तीन तीन एक्सरसाइज की वीडियो बनाता रहूँ तो आप भी बोलोगे रोज़ एक ही चीज़ में हो रहा है। इसलिए मैं एक ही साथ आपको 7 से 10 एक्सरसाइजें कवर कर रहा हूँ ताकि आप चार चार के एक बंच में कर सकें, अपनी सुटेबिलिटी देख के, अपना स्ट्रेंथ देख के, अपनी कोर स्ट्रेंथ के हिसाब से आप अपना वर्कआउट चूज कर सकें, ठीक। अब प्लैंक नीइंग में हमने प्लैंक पोजिशन में आ जाना है यूं, ठीक है, और आपकी नी अंदर आएगी यहाँ। ठीक है, ये प्लैंक नी हो गई। अब इसी का थोड़ा सा इजी वर्जन अगर मैं कराना चाहूँ आपको तो आप स्ट्रेट आर्म में आ जाइए, ठीक, इजी, पूरा होल्ड करिए, आप इसको बाहर से लाइए, यू टच करिए। दोस्तों, अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प हुई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जो बिगिनर्स हैं वो स्पीड से ना करें, वो स्लो करें, स्लो स्लो लाएं अपने पांव को आगे। अब हमारी 10 एक्सरसाइजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं 2 एक्सरसाइजें और बताऊंगा जो एक ही पोजीशन में ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। 11, 12 तो आप मान लीजिए हमारे टोटल हो चुके हैं, 12 एक्सरसाइजें सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप चार चार के सेट बना लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। अब इनको अलग अलग दिनों में आप एक दिन छोड़ के लगाइए, ठीक है, 100% वर्क होगा, ठीक है। अब हम लगाएंगे लेइंग लेग रेजेस, साइड रेजेस, लेइंग साइड लेग रेजेस, ठीक है। लेटर रेस कुछ भी कह लीजिए आप, आपने इस तरह से अपना हाथ सीधा करके, ठीक है, अपने पूरा इसी एंगल में लेटना है, पूरा फ्लैट सीधा हाथ जमीन पर यूँ, और आपने ये अपर बॉडी उठानी है, ठीक है, अपर बॉडी उठानी है। अब जब आपकी अपर बॉडी उठेगी तो आपने पाँव को उठाना है, गुड, और फिर दोनों को डाउन करो,
साइड लीजिए और फिर आप दूसरी साइड का इस्तेमाल करिए। सेम वही, हाथों को पूरा सीधा यूँ, आप पीछे का पाँव बैंड भी कर सकते हो, नीचे वाला पाँव बैंड भी रख सकते हो अगर आपको ऐसे में थोड़ा अटपटा लग रहा है, बैंड कर लीजिए, यूँ रख लीजिए, ठीक है। अब पहले इसको उठाइए, पहले आप अपर पोर्शन उठाइए, अपर पोर्शन उठाना आ जाएगा, तो ये उठा और ये उठा, इन दोनों को साथ, अब फिर साथ में डाउन, ठीक। अब मैं आपको इसी का एक और वर्जन बताऊंगा, उसको बिगिनर्स हो या एडवांस हो, उसका कुछ भी कहा जा सकता है, दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए उसमें आपने अपना हाथ यहाँ रख दिया, ठीक है, पाँव ये हैं, सेम पोजीशन वही है, बस आपने अपनी नी को बेंड करना है, ठीक है, और अपनी एल्बो को नी के पास ले जाना है। अगर उठने में दिक्कत हो शुरू शुरू में, अगर आपकी कोर उतनी एक्टिव नहीं है इतना उठने में, तो थोड़ा हाथों की मदद दे सकते हैं आप, यूं करके हाथों को थोड़ा मदद दे लेना उठाने में, ऐसे करके, ठीक है, शुरुआत में, मतलब तो बाद में आपने पूरा फोकस अपने कोर पे ही करना है, कोर पे ही ध्यान लगाइए पूरा, ठीक है। ऐसी दूसरी साइड से, सेम पोजीशन, ये थी आपकी नी टू एल्बो साइड लेग रेस, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है, सारी की सारी 12 की 12 मुझे तो सारी फील होती है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा टॉप 12 या टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3, ऐसा कुछ नहीं होता है, टॉप कुछ नहीं होता है, जो आपको फील हो वही आपके लिए टॉप होनी चाहिए, बस आपको वर्कआउट करना है, आपको कोई स्पेशल वीडियो ऐसा सर्च नहीं मारना है, टॉप की टॉप 3 एक्सरसाइज, चेस्ट बनाने की टॉप 3 एक्सरसाइज, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ आपकी डाइट है, आप जैसा खाएंगे आप वैसा ही दिखेंगे, याद रखना आपका शरीर एक डिस्प्ले होता है, ठीक है, आप दुकान का डिस्प्ले देखते हैं, आप जैसा उसमें सामान भरेंगे ना दुकान का, लोग वैसे दिखता है, ऐसे ही आपका शरीर भी डिस्प्ले। फोन के बीच में कॉल आ जाने की वजह से आपको असुविधा हुई है, जिसके लिए खेद है।